मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना के लिए 353 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को हुआ था। नगरीय निकाय चुनाव में 4 मई को पहले चरण में राज्य में के 37 जिलों में 52% वोटिंग हुई थी। वहीं 11 मई को दूसरे चरण में 38 जिलों में 53% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। साथ ही बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में 17 मेयर 1420 पार्षद के साथ साथ पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष और नगर पालिका परिषदों के 5327 सदस्य के लिए वोटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। एक तरफ जहां जिला और पुलिस प्रशासन इसे लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासी दलों ने भी स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल के बाहर अपने कार्यकर्ताओं का पहरा लगाया हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी है। यूपी निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आशा है चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताता जाएगा, जिससे जन विश्वास बना रहे। चंदौली नगर निकाय की मतगणना जारी है। सैयद रजा और चंदौली नगर पंचायत का मतगणना हो रहा है। दीनदयाल नगर और चकिया में भी मतगणना चल रहा है। वहीं मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मतगणना स्थल के बाहर बैरिकेड किया गया है। साथ ही डीएम एसपी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया है और मतगणना कर्मियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। जो हमारे तीनों केंद्र हैं मतगणना के, जहां चारों नगर निकाय की हमारी काउंटिंग चलनी है, वो स्टार्ट हो गई है। 8 बजे सभी स्ट्रांग रूम्स को खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और अभी प्रत्येक जगह पहले चरण के लिए जो पहले चक्र का जो मतदान मतगणना है उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। सूचना को लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं मतगणना के? हम लोगों ने प्रत्येक जो हमारा मतगणना केंद्र है वहाँ पर मीडिया के लिए एक तंबू बनाया है और वहाँ पर हम लोग समय समय पर जैसे जैसे गणना होगी चक्रवार हम लोग सूचना उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो जनपद का मीडिया ग्रुप है उस पर भी हम लोग सूचना डालते रहेंगे। जिस प्रकार से भी हम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़ेंगे। अजीत, क्या कुछ चंदौली में माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है अभी? नंदनी की चंदौली में सपा और बसपा और कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी कई रुझान आ गए, अभी कई रुझान आने बाकी हैं। कहीं न कहीं बीजेपी थोड़ा आगे चल रही है और सपा थोड़ा पीछे चल रही क्रमशः। अब कहीं न कहीं बड़े रुझान आने की फैसला भी 12 बजे तक जो रुझान आए थे जिसमें बीजेपी कुछ सीटों पर आगे चल रही थी, वहीं सपा भी कुछ सीटों पर आगे पीछे अभी हो रहे हैं। जी, चंदौली में अभी कौन सी राउंडिंग चल रही है अजीत? अभी वही चंदौली में दूसरा राउंड पूरा हो चुका है जिसमें सपा बहुत पीछे चल रहे और बीजेपी लगभग बहुत आगे चल रही। जी, चंदौली में किन किन पार्टियों के बीच में आपस में टक्कर थी? वही निर्दल भी प्रत्याशी लड़े हैं और वही सब सपा के भी लड़े हैं और कांग्रेस के भी लड़े हैं, वही बीजेपी की तमाम मतलब पार्टियां अपने अपने सिक्का उछाल रही है। वही आपको बता दे की 350 से गौरव श्रीवास्तव इस समय चकिया से आगे चल रहे हैं, वहीं मीरा जायसवाल लगभग 350 वोट के पीछे सपा से है। कहीं न कहीं अभी रुझान अभी आना बाकी है, आगे की प्रक्रिया अभी चल रही है और देखिए क्या होता है। जी, की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? वहीं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत माने तो डीएम के द्वारा निकाय चुनाव को पूरी दृष्टिगत रखते हुए मतगणना बड़ी शांति पूर्वक कराई जा रही है। हालांकि कहीं जुलूस वुलूस नहीं निकाला जाएगा, उसमें कहीं न कहीं भगदड़ और हर जगह का मतलब कि प्रोटोकॉल का पालन करना है और समय हर जगह पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अब मतगणना शांतिपूर्वक हो रहा है। जी
अजीत नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। औरैया में नगर निकाय मतगणना प्रारंभ हो गई है, जिसके तहत जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक चारु निगम लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका परिषद के मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, वहीं तिलक इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना केंद्र से 200 मीटर की रेंज में आम आदमी की एंट्री को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक नगर पालिका परिषद और 6 टाउन एरिया और 7 स्थानीय निकाय है, इसके लिए हमने 4 सेंटर बनाया हुआ है। नगर पालिका परिषद यहाँ पे हो रहा है, यानी तिलक इंटर कॉलेज में, दिव्यापुर और फकूर जो है उसमें मुसम्मत देवी इंटर कॉलेज में, और बाकी दोनों तहसीलों पर हो रही है, गुना में गुना और अच्छा और अधिकमल में अधिकमल और अक्सर। इस तरह कुल 4 केंद्रों पर कुल 124 टेबल लगी हुई हैं, जिसपे हमारे 124 टेबल मिल सकते हैं, आधे का सदस्य आधे अध्यक्ष, तो इस तरह के हमारे टेबल्स काम कर रही हैं, जिसपे 4-4 कर्मचारी लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल से कि 2-3 बजे तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आगे निकलते हैं। शूटिंग में मानकानुसार अंदर ड्यूटी लगाई गई हैं, शेष जो 3 कॉर्डन्स बनाए जाते हैं, तीनों कॉर्डन्स में ड्यूटीज़ सकुशल लगाई गई हैं। बाहर आप देख सकते हैं सभी मतगणना स्थलों पे 200 मीटर तक सैनिटाइज करके रखा गया है। यहाँ पे किसी व्यक्ति को वाहन से आने की अनुमति नहीं दी गई है। और कॉर्डन वाइज ड्यूटी लगाने के अतिरिक्त शांति व्यवस्था के दृष्टिगत सभी थानों में QRTs भी बनाई गई हैं, जो लगातार किसी विवाद ना हो और कोई भी सूचना किसी प्रकार की आए उसको तत्काल अटेंड कर ले, इन सब के लिए बनाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने रिजर्व फोर्स सभी मतदान। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जाहिद जुड़ेंगे। जाहिद, मतगणना स्थल पर मतगणना जारी है, वहां पर 200 मीटर के रेंज के बाद आम आदमी को प्रतिबंधित कर दिया गया है, और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं? जी, मैं आपको रणनी बता दूं, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, यहां पर पूरी जिला प्रशासन द्वारा पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पल पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को आने जाने को, हर आदमी को चेक कर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं पोलिंग बूथ की अगर बात की जाए तो सभी प्रत्याशी अपने अपने एजेंटों के साथ वहां पोलिंग बूथ पर अपने वोटिंग की रखवाली कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। शाहिद, औरैया में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी तरफ बढ़त नजर आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ से समाजवादी पार्टी से दूसरे चरण में जी 6,000 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और 3,113 वोटों से भारतीय जनता पार्टी है, और निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो 3,097 वोटों से है। किन किन पार्टियों के बीच जाहिद वहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही थी? माना जाए यहां पर समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी दो लोगों में टक्कर कांटे की देखी जा रही है, पर यहां पर जिस तरीके बढ़त बनाई है समाजवादी पार्टी की, काफी बढ़त बना रखी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद। अकाउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली गई। आपको बता दें कि औरैया जनपद में 1 नगर पालिका व 6 नगर पंचायत, जिसमें 80 प्रत्याशी हैं व 526 सभासद हैं, उसी को लेकर अकाउंटिंग को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। जिला प्रशासन द्वारा व पुलिस प्रशासन द्वारा बराबर नजर बनी हुई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बैरिकेडिंग लगा के हर आने जाने वाले व्यक्ति को चेक करके ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है। प्राइम टीवी के लिए जाहिद अख्तर की रिपोर्ट, औरैया। बाराबंकी में नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले के 13 नगर पंचायतों और 1 नगर पालिका परिषद में हुए हैं नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था एवं पारदर्शिता के साथ मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी तहसीलों में मतगणना के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, कई जगह पर बैरिकेडिंग कर वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। जनपद बाराबंकी की नगर निकाय चुनाव की मतगणना 13/5/2023 को सभी तहसीलों में कल प्रातः 8 बजे से आरंभ होगी। सभी से अनुरोध है कि कोई भी प्रत्याशी अपना कोई ऐसा एजेंट न बनाए जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो। साथ ही सभी प्रत्याशियों एवं एजेंट से अनुरोध है
कि वो अपने साथ किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र ज्वलनशील पदार्थ तरल पदार्थ न लाएं, सिर्फ बॉल पॉइंट पेन और कागज ही साथ में लेकर के आएं, क्योंकि उन्हें आउटर कॉर्डन इनर कॉर्डन और ऑसिलेशन कॉर्डन से होकर गुजरना होगा। किसी भी रूप में मतगणना केंद्रों के बाहर भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होगी, कोई पंडाल नहीं लें। खबर प्रयागराज से है, जहां पर डीसीपी अभिषेक भारती ने हांडिया मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक स्तर पर व्यवस्था किया गया है। इस दौरान पीएससी और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। एसपी सुधीर कुमार, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र दुबे सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। वहीं डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकालेगा। पोस्टर बैलेट्स हो रहा है, उसमें क्या इस समय स्थिति है? देखिए, अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मतगणना स्थल है हंडिया में। हमारे साथ में यहाँ पे एसीपी साहब मौजूद हैं और थाना प्रभारी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है। यहाँ पे शांतिपूर्वक मतगणना का कार्य हो रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर से भी बात की गई है। जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ से मतगणना स्थल जहाँ पे टेबल्स लगी हुई हैं वहाँ तक ले जाने के लिए भी सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड की गई है। जो स्ट्रॉन्ग रूम है और जो पूरा परिसर है उसको सीसीटीवी कैमरे से कवर किया हुआ है। जितना भी बाउंड्री है वहाँ पे सब फोर्स लगाई गई है। जिस जिस वार्ड की मतगणना हो रही है सिर्फ वहीं के पोलिंग एजेंट्स को अंदर आने दिया जा रहा है और प्रत्याशियों को अंदर आने दिया जा रहा है। यूपी में निकाय चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। वहीं इस बीच कौशाम्बी से एक खबर सामने आई है, जहां मतगणना केंद्र से मतपेटिका बाहर ले जाने पर जमकर हंगामा हुआ है। प्रत्याशियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मतगणना केंद्र से मतपेटिका बाहर ले जाने पर प्रत्याशी भड़क गए। लोडर गाड़ी से 5 मतपेटिका बाहर लेकर पुलिस निकली थी। मामले में प्रशासनिक अफसरों की ओर से आधिकारिक तौर पर बयान नहीं सामने आया। ये मतगणना केंद्र एमवी कॉन्वेंट ओसा का मामला है। फतेहपुर में मतगणना के दौरान झड़प हो गई। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मतगणना स्थल पर मीडिया की अंदर एंट्री बैन कर दी गई है, जिससे मीडिया कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि खबर फतेहपुर से है, जहां मतगणना के दौरान झड़प देखने को मिली है। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मतगणना स्थल पर झड़प की गई, जिसमें मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है, जिसको लेकर वहां पर झड़प हो गई। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान मीडिया के एंट्री बैन करने पर मीडिया में आक्रोश देखने को मिला, जिससे फतेहपुर में झड़प हो गई। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो मतगणना स्थल पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई थी, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों में आक्रोश देखने को मिला। अम्बेडकर नगर में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतगणना स्थल पर लगे सुरक्षा पुलिसकर्मी आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। राज्य निर्वाचन के आदेश को दरकिनार करते हुए मतगणना स्थल पर 2-व्हीलर गाड़ी खड़ी दिखाई देती नजर आ रही है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार मतगणना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। मानकों को दरकिनार करते हुए तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे जनपद में 75 जिले अधिकारियों को सख्त 10 दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में मतगणना शुरू हुआ है। इसी कड़ी में जनपद अम्बेडकर नगर का इस समय हम लोहिया भवन में खड़े हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे चारों तरफ का वो नज़ारा दिखाएं, आखिर किस तरीके से चारों तरफ का वो नज़ारा दिखाएं। कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे आज किस तरीके से यहाँ की चौकसी नजर आ रही है, चारों तरफ का वो नजारा दिखाएं। कुछ पुलिस कर्मी बैठे भी हैं, सुस्त नजर आ रहे हैं। और जो राज्य निर्वाचन आयोग का 10 दिशा निर्देश है कि 200 मीटर के अंदर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होना चाहिए, कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे वो नज़ारा जरा जूम करके दिखाएं। 200 मीटर की के अंदर वो गाड़ी खड़ी है अभी तक, जबकि चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में साफ देखा जा सकता तस्वीरों में ऐसे ही कई पहलू हैं। गुटके को लेकर के कोई भी जो भी MLC हो MLA हो अंदर नहीं जा सकता है, और ऐसे कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिनको मानकों को दरकिनार करते हुए अम्बेडकर नगर में देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, Prime TV, अम्बेडकर नगर।
निकाय चुनाव के पल पल अपडेट के लिए बनी रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम टीवी।